सर। ओके, सो द एक्टिविटी इज आई विल से द न्यूमेरिकल नंबर एंड यू हैव टू परफॉर्म. सो नंबर वन स्टैंड्स फॉर हॉप. वन स्टार्ट. वन हॉप. प्रतीक यू कैन ऑल्सो ऑन योर कैमरा क्विकली. वन इज फॉर हॉप. टू सेट. टू इज सेट. टू दो मतलब सेट. थ्री लाई डाउन. टू टू सेट. वन हॉप. स्टॉप स्टॉप. ये तो कूदे ही जा रही है, रुक ही नहीं रही. पेट्रोल ही खत्म नहीं होता. वन थ्री फोर फोर. फोर इज क्राउल. रेंगी रेंगी रेंग के दिखाइए कहीं भी. त्रिवेंद्र कह रहा है इतना बढ़िया बिस्तर लगाया था सर, आपने सारा प्लान ही चौपट कर दिया. आप तो लगाते हो, हम सो जाते हैं मस्त बिस्तर बिछा के प्रवचन में. फोर क्राउल. ये लोग तो फोन से ही छेड़छाड़ कर रहे हैं. बताओ सर की शक्ल अट्टा उदाड़ी वाली. पढ़ लूँ क्या लिखा चैट में. फोर इज क्राउल. फाइव स्टिक टू अ वॉल. जल्दी दीवार पकड़ो, चिपक जाओ, चिपक लियो, भागो. वन टू थ्री फोर फाइव. ढंग से चिपको शिवांगी. ए शैली उठो, चिपको दीवार से. पांच नंबर भागो रे, जल्दी दीवार खोजो. कहाँ है इतनी देर में. ए राम, कैसे स्पाइडरमैन स्पाइडर वुमन बनोगी रे. छः सिक्स सिंगर सॉन्ग. Sing a song, sing a song, sing a song, sing a song. आदित्य तो गाली दे रहा बड़ी देर से. Sing a song. Seven, dance. Dance. पार्टी वाला गंदा वाला डांस. अच्छा नहीं, गंदा वाला डांस. ये क्या है, टपोरी वाला डांस चाहे देखना है मेरे को. टपोरी वाला, हाँ गंदा वाला, वो दो दो रुपए के लिए डांस, टपोरी डांस. हाँ कुशाद यार, उसमें इमेज डाल दे, कोई बैकग्राउंड चाहिए. बॉर्डर वगैरह सब ठीक है. आई नीड इमेज इन द सर्टिफिकेट. 10 क्लैप. 10 इज फॉर क्लैप. जल्दी ताली हो जाओ. 10 9 क्राई लाइक अ बेबी. चलो बेबी कैसे लेटते हैं, उनके तो हाथ, बेबी ऐसे बैठ जाएगा 3 महीने का जैसे शिवांगी बैठी है. वो लेटे रहते हैं, उनके हाथ पर काम नहीं करते हैं. लेट जाओ, चलो बेबी की तरह लेटो और बेबी की तरह ड्रामा करो. अच्छे से रो के दिखाओ नकली. कोई भी रेलिवेंट बैकग्राउंड है. इट्स लुकिंग वेरी वाइट एंड वेरी फ्लैट यार. आई वॉन्टेड लिटिल पैपी. घनू हेल्प कर यार. वन हॉप एंड वॉक. हॉप एंड वॉक. हॉप एंड वॉक. नाइन क्राई लाइक अ बेबी. तेरी यार टाइप करियो, जिसकी आवाज कटे वो टाइप करें. ओके सो कैमरास भी ऑन कीजिए सारे लोग, जितने ऑन कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू सी यू ऑल. सवाल पूछता हूँ ठीक है. अल्फाबेटिकल पूरा ऑनेस्टली जवाब देना है ठीक है. एनेक्साइटी जो होती है ठीक है. शिवांगी रिज्वाइन कर लो, तुम सवाल सुन लो.
दर्शन टाइप कर देना, जैसे शिवांगी वापस ज्वाइन कर लिया। एनेक्साइटी हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतीक एनेक्साइटी को? क्या बेचैनी। बात है, बेचैनी, घबराहट, घबराहट बहुत बढ़ जाना, ठीक है ना, कुछ समझ नहीं आता, कई लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं, कुछ लोग कांपने लगते हैं, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, और कुछ लोग बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ भौचक्के हो जाते हैं। तो हर किसी के लिए ये बेचैनी होने का कारण अलग है। दो पूछेंगे बातें, एक तो आपके आम जिंदगी में कब आप ऐसे बहुत बेचैन, हिंदी का बहुत अच्छा शब्द है व्यग्र हो जाना, अधीर हो जाना, धीरज धरो बोलते हैं ना, अधीर मतलब यू कांट वेट, यू बिकम वेरी रेस्टलेस, कब होते हो? और दूसरा, अभी के सेशन में कब ऐसा पल आया जब आपको एनेक्साइटी हुई, आप अधीर हो गए, आप व्यग्र हो गए? समझ आया सवाल? सो रहे हो चुपे दरवा, सोते क्या नहीं सोता? नहीं हाँ ठीक है, सो चालू करें। अंजलि केला देवी बोलो, अंजलि स्टार्ट। अंजलि जल्दी जवाब दो, बहुत लंबा सेशन जाएगा आज। अंजलि हो? नहीं हो? शायद अंजलि चली गई। दर्शन इज अ होस्ट नाउ। ओके सो आदित्य क्विकली बताएं। आज के संदर्भ में मैं आज ही नहीं मतलब बता दूँ कहाँ से पहले हो तो जब काम बताते हैं या वो बहुत जल्दी जल्दी काम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले को आएंगे ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी काम हो कोई भी चीज़ बड़ी बेचैन कर रही काम हो रहा है आसानी से हड़बड़ाहट पैदा होती है मेरे अंदर कैसे करके इस काम को करो भाई, ये तो इल्जाम लगा रहा है बे, क्या कह रहा है बे, इल्जाम लगा रहा है मेरे पे बे, शर्म, बे शर्म, बे हया, बे मुरब्बत, बे डॉट डॉट डॉट। अगला व्यक्ति। होता सही कहा तुमने अंजलि, कुछ कुछ होता है, मैं नहीं समझूंगा। दर्शन इसका तो नेटवर्क कटेगा, तू टाइप कर दे भाई। सर अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? हाँ आ रही है। हाँ सर, सर पहला पॉइंट है सर, मैं सर एंग्जाइटी तब फील करता हूँ जब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है जो मैंने प्लान नहीं किया हो, या फिर जब मैंने दैट इज अ कुछ नहीं एक्सपेक्ट करी जनरल हो उससे कुछ बहुत रिमार्क, ही उल्टा हो दैट जाता है। वेट, दैट्स अ जनरल रिमार्क, यू हैव टू गिव हाँ मी वेरी पिन पॉइंटेड एग्जांपल। ऐसा हुआ तब हुआ, कब्ज हो गया तो मैं बहुत एंग्जाइटी हो गई, मेरे को साला कब्ज हो गया, कब्ज हो गया, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, समथिंग समथिंग। टेल मी वेरी, कोई इंसिडेंट बताओ क्विकली। सर कुछ नहीं था उस टाइम करने के लिए उस वक्त, और सर जैसे अभी होता है जैसे कि तो आवाज कट रही है सही बाबू, लगता है लिख तो दो, इसी चीज़ पर चलते हैं। लिख दो या ऑडियो भेज दो ग्रुप में, आई कैन हियर इट राइट नाउ। सो लेट्स मूव टू शैली। आई कांट हियर यू बाबा, सॉरी शैली, आई कांट हियर यू। आर यूजिंग योर फोन? इफ यू आर यूजिंग योर फोन, क्लिक ऑन फोन ओवर इंटरनेट एंड ऑडियो ओवर इंटरनेट, क्लिक ऑन दैट एंड देन स्पीक। ओके नेक्स्ट पर्सन शिवांगी, इफ यू आर देयर। जब कम टाइम होता है या फिर डेडलाइन होती है और काम ज्यादा होता है तो फिर बेचैनी होने लगती है किसी तरीके से। स्टार्टिंग में बहुत प्रेशराइज हो जाता है दिमाग से, धीरे धीरे बाहर आता है। तो स्टार्टिंग में एकदम जब बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में आती है तो होता है, और कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में चल रही होती है तो तब भी होता है। मल्टीटास्किंग, ओके रविंद्र। हाँ जब कभी फाइनेंशियल इश्यूज पे प्रॉब्लम होती है या मैं मेरी जो भी दुखती पैसा रग पे उधार हाथ लेता रख हूँ दिया इसने। अच्छा चल ठीक है, बोल।
काउंट करता हूँ ना कि यार आज तो मतलब अब तक का इतना उधार हो गया, कैसे करूँगा। जब काउंट करता हूँ टोटल तो दिक्कत होने लगती है कभी कभी, अदरवाइज मैं भी रिलैक्स फील करता हूँ, कोई नहीं हो जाएगा। अभी के सेशन में जब मैं एक बच्चे की तरह रो रहा था तो रोते रोते बड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। मैं रोते रोते कहानी बना लिया था कि किसी चीज़ की जिद कर रहा हूँ और वो मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं उस चीज़ के लिए एक बच्चे की तरह रो रहा हूँ। तो तब मुझे बड़ी बेचैनी हुई, रोते रोते बच्चे की तरह फील कर रहा था। फिर प्रतीक अभी तो फील नहीं हुई एंजाइटी इस सेशन में, लेकिन वैसे जब जैसे मैनेज नहीं होता, जैसे काम या ज़्यादा प्रेशर हो जाता है वो सब होती है, या कभी कभी भविष्य के बारे में सोचती होती है क्या होगा कैसे होगा। सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में भी क्या ये भविष्य पुराण चलता है क्या होगा कैसे होगा? हो रहा होता हूँ तब मैं। अच्छा ओके दर्शन पात्रे खाली था लॉकडाउन में स्टार्टिंग में पिछले साल जब कुछ महीने पेट खाली था तो काफ़ी फील हुई थी एंग्जाइटी। ठीक है भाई ओके अभी सेशन में जब आपने ओम वाला चलाया था, ये ओम था? अच्छा चलो ठीक है जो भी म्यूजिक था। अरे हाँ इट्स ओके आई एम गेटिंग ओके। मुझे एंग्जाइटी का फील होती है इनिशियली जब छोटा था तो मेरे को चीज़ें समझ नहीं आती थी। ब्लैक जैसा तो नहीं था जैसे ब्लैक में किरदार दिखाया जाता है, पर मैं आंखों देखी जैसा व्यक्ति था, मैं कैसे मान लूँ। और ये एक्सपेरिमेंट ने कई बार मेरी वाट भी लगाई और कई बार वो भी करूँ, मतलब मेरे प्रिंसिपल सबको डंडा मारते हो, तो मैंने बोला मैं कैसे मान लूँ भाई, मुझे भी मारेगा। तो बहुत बहुत मैंने फंडे भी किए और एंग्जाइटी होते होते भी पंगे लिए। आई यूज टू बी द क्लास मॉनिटर और 2 महीने की छुट्टियों में ब्लैंक कॉपी पे स्टैंप लगवा के साइन करवा के लाने वाला एक बात लड़का, मतलब वैसा व्यक्ति जो पेज गिनता था उसके बाद डंडे पारता था सबको। मेरे से कह रहा पूरा है, हाँ जी पूरा है, कर दो साइन, फिर देख ले मारूंगा। मैंने कहा हाँ जी मार लेना, एंड एग्जैक्टली थी कि अगर भैया पासा उल्टा पड़ गया। सो हमारे टाइम में तो आई थिंक थोड़ा टीचिंग वैसा होता था, अभी भी हो सकता है कुछ ऐसे स्कूल्स हों, बट नए नॉर्म्स आ चुके हैं एजुकेशन का और स्टैंडर्ड भी चेंज हो चुका है और पहले और अब के में डिफरेंस भी है क्योंकि खान पान और सारी चीज़ें भी हैं। अब का तो किसी को एक झापड़ मारो वो यूँ ही गिर जाए, वो बात भी नहीं है आई थिंक। मैंने कहा हाँ एंग्जाइटी कब होती है, आई थिंक वो सबको होती है। सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी परफॉर्मर्स को होती है जो स्टेज पे जा रहे हैं। डायरेक्टर तो हाँ कर लो भैया क्या करोगे, बेइज्जती तो करोगे, ठीक है भाई हम थोड़ी खड़े हैं ये नहीं। डायरेक्टर्स को भी होती है एंग्जाइटी, सबको होती है हर किसी के लाइफ में। जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटकम आने वाला हो ज़रूर आपको एंग्जाइटी होगी। जब भी कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है आपको एंग्जाइटी होगी। एंग्जाइटी से चीज़ें बदलेंगी, आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, कहना है ना तब मस्त वाला। और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी इससे रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं एंग्जाइटी को लेकर के। पर आपने सोचा जब आप बिल्कुल छोटे थे, ठीक है ना, अंटिल अनलेस यू स्टार्टेड टू गो टू केजी एंड अदर स्कूल, अंटिल अनलेस यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर फैमिली, आपको एंग्जाइटी सबसे कम होती थी। जेलसी थी तो आप छोटे थे, आपकी माँ के साथ कोई और है तो आप कैसे हो गया, उठ दैट्स माई प्लेस, आई वॉन्ट टू बी इन हर लाइफ, ठीक है। जेलसी पहले आई, एंग्जाइटी बाद में डाली गई। व्हेन यू आर पुट फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू, ठीक है, और वो लाइफ में आगे बढ़ता है। लेट्स रीड सर, जब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ चल रही होती है तब मैं राजमा चावल खाना पसंद करती हूँ। जब पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट करती है, लोग मेरे को चॉकलेट नहीं भेजते, साले खड़ूस बर्थडे भी ढंग से विश नहीं करते। ओके जोक से पाए, सबको होती है यार, आई थिंक मेरे पेरेंट्स को होती है, ग्रैंड पेरेंट्स सबको एंग्जाइटी होती है, एवरीवन हैज इट। और कई लोग को पसीने छूटने लग जाते हैं बहुत तेज,
एक नाटक में आपका एक साथी किरदार था, तो इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में था, इतना ज़्यादा उसके पसीने छूट रहे थे, तो उसने संभाला, थोड़ा बहुत एक्ट किया, ठीक है। एंग्जाइटी होना ज़रूरी भी है, आपकी बॉडी ढंग से फंक्शन करेगी, पहली चीज़। दूसरा, आपको घमंड में नहीं चढ़ने देगी, ठीक है। और मान लो अगर आप एक पैराशूट से नीचे कूद रहे हो, ना एंग्जाइटी ही नहीं है, तो भाई कुछ ना कुछ तोड़वा फोड़वा लोगे, वो नहीं ज़रूरी है। बट इस एंग्जाइटी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको बहुत अच्छा एक इम्पल्स दे देता है, ये एंग्जाइटी आपकी शुरुआत वाली चीज़ों को डेवलप करने में, यानी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में हेल्प करता है एज एन एक्टर। एंड एज अ पर्सनल लाइफ में भी अगर आप एंग्जाइटी को देखेंगे, तो अगर आप कैलकुलेटेड एंग्जाइटी को पैदा कर सकते हैं, तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एंग्जाइटी के टाइम के आसपास अगर आप साइंस पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही होगी। और एंग्जाइटी बहुत सारी और भी चीज़ों में होती है, आई थिंक आप सब लोग मैच्योर हो, मैं ज़्यादा उस पर बोलूँगा नहीं विषय पर, बट ऑब्वियसली आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द गाइज रिजेक्शन का डर, ठीक है। और एक मीम बनाया था एक दोस्त ने, बट इट डजेंट रिलेट टू एवरी गर्ल, कि आज फ्रेंड ही है इसने देखा, बहुत मस्त मीम्स बनाती है, अभी बहुत पॉपुलर, शी वर्क्स इन अ मीडिया कंपनी, इसलिए मीम्स बनाती है, इसकी ट्रिक है। सो शी रोट दैट ओके, आफ्टर रिजेक्टिंग 83 बॉयज, शी रोट नो वन लव्स मी, नो वन लाइक्स मी, आई एम सिंगल। तो उसने ये लिखा, भगवान गया, इसका नाम देना पड़ेगा, बड़ी मस्त बनती है, बट दैट्स नॉट ट्रू एवरी वन। बट हाँ, आप बहुत अनएग्जाइटी फील करते हैं, लड़के भी अचानक से कोई पीछे देख रहा है, भाई क्यों मुझे देख रहा है, क्यों मुझे घूर रहा है, पीछे क्यों चल रहा है, थोड़ा बहुत वो होती है। या सोचो कि अचानक से प्रिंसिपल ने आपका नाम ले लिया, सोचो स्कूल में, और बुला लिया, भाई अब क्या बोलेगा, फीडबैक का सेशन है, जल्लाद सिंह ने बुला लिया, वॉरियर चिन्ना के बीच में अचानक से आ गया, हाँ दिखाओ क्या रिहर्सल है मेरे को, भाई अब क्या बोलेगा, ये 15 काम फटाफट करवाएगा। फिर आदित्य को लगता है कि मेरी कभी गलती नहीं हो सकती, और आदित्य को ही गलत कहलाया जाता है, आदित्य के मन में ही है, आई कैन नेवर बी रॉन्ग, बट वाई आई एम रॉन्ग, सर जी इज रॉन्ग। सो दैट क्रिएट्स एन एंग्जाइटी। फिर एंग्जाइटी के बाद चीज़ें आती हैं, एक्सेप्टेंस, हाँ या ना। आपने चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, एंग्जाइटी का जो वेग अपने आप कम हो गया, आपने जैसे ही ना लिया, थोड़ा थोड़ा एंग्जाइटी आपको नीचे गिराना चालू करेगी, या तो डिप्रेशन मोड में आएगी, या आपको खींच बनेगी, इरिटेशन, ठीक है। और फिर उसके साइड इफेक्ट्स पहले बॉडी पे होंगे, फिर अंतर्मन पे होंगे, फिर बाकी चीज़ों पे होंगे। टाइम क्यों देख रहा है प्रतीक, भूख लग गई? बहुत लंबा सेशन जाएगा अपना, 5-6 घंटे, टेंथ ना लियो, ठीक से।